नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं सुनो सच्ची कहानियों में एक और सच्ची कहानी लेकर के। जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं बॉडीगार्ड, तो आपके मन में कैसी इमेज बनती है? जरूरी एक कोई हट्टे कट्टे नौजवान की जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए, जिसको ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, इस तरह के बाउंसर्स होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं। जी हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि एक बॉडीगार्ड महिला के रूप में साड़ी पहने हुए एक लड़की बॉडीगार्ड का काम करती है, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे समाज में ये मान्यता नहीं है कि महिलाएं ऐसा काम कर सकती हैं, और इसी विचार को, इसी मिथ को ब्रेक किया है एक महिला ने, जिनकी हम आज कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये सच्ची कहानी है वीना गुप्ता की। वीना गुप्ता बचपन से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जो अलग हो, जो लीक से हटकर हो। उन्होंने कई एरियाज के ऊपर विचार किया और फाइनली उन्होंने सोचा कि मैं एक महिला बॉडीगार्ड बनना चाहती हूँ। शुरू में वो 2000 तक होटल इंडस्ट्री में जॉब करती थी। उसके बाद जब इन्होंने स्विच करने का सोचा कि मैं अपना स्थान बनाऊं एक महिला बॉडीगार्ड के रूप में, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया, उनको क्रिटिसाइज किया, घर वालों ने, दोस्तों ने, जिससे भी उन्होंने इस बारे में बात की, लोगों ने कहा ये विचार ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, महिलाएं ऐसा काम करने के लिए बने ही नहीं हैं। फिर भी इन्होंने अपना निश्चय रखा, और जैसे कि हमने पहले भी अपनी सुनो सच्ची कहानियों में आपको वीडियोस शायद देखे होंगे, एक महिला ट्रेन ड्राइवर जो कि फर्स्ट एशिया में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी, उनकी भी सच्ची कहानी हमारे वीडियोस में अवेलेबल है, जब भी आपको समय मिले आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे विनय गुप्ता की। इन्होंने जब ये निश्चय किया कि ये महिला बॉडीगार्ड बनना चाहती हैं, तो इन्होंने ट्रेनिंग ली, मार्शल आर्ट्स की रिगरस ट्रेनिंग, जो कि कई पुरुष भी ऐसी ट्रेनिंग करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग कंप्लीट की। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये सिक्योरिटी एजेंसीज में इन्होंने अपने एनरोलमेंट कराया एज ए फीमेल बॉडीगार्ड। शुरू के दिनों में काफ़ी मुश्किल था, लोग हिचकिचाते थे कि महिला बॉडीगार्ड कैसे लें, और लगभग इनको 4 से 5 साल लगे वीना गुप्ता को एक्सेप्टेंस प्राप्त करने में कि एज ए फीमेल बॉडीगार्ड। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बताया, जैसा कि हमको बताया, कि महिला बॉडीगार्ड होने के बहुत फायदे हैं। जो मेल बॉडीगार्ड्स होते हैं दे आर प्रोमिनेंटली नोटिस्ड, क्योंकि ब्लैक ड्रेस में होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, तो अगर किसी VIP या सेलिब्रिटीज को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको कवर दे रहे हैं, तो जो लोग उनको दुश्मन है कह सकते हैं उनके, वो पहले बॉडीगार्ड को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि बॉडीगार्ड इज प्रोमिनेंटली विजिबल। लेकिन एक फीमेल बॉडीगार्ड को बहुत बड़ा एडवांटेज है, शी कैन मर्ज इन द क्राउड। और एक साड़ी पहने हुए महिला जा रही है, नॉर्मल लुक्स वाली लेडी है, उसको कोई डाउट भी नहीं करेगा कि ये बॉडीगार्ड हो सकती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज उन्होंने देखा कि लोगों ने भी अप्रिशिएट किया इस बात को, और धीरे धीरे उनको एक्सेप्टेंस मिली। 2008 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। एंटरप्रेन्योर बनने का उनका मकसद ये था कि जिस क्षेत्र में उन्होंने एंटर किया है एज अ फीमेल बॉडीगार्ड, और भी महिलाओं को, और भी लड़कियों को ट्रेन करें, उनको प्रोत्साहित करें, और उनको आगे सिक्योरिटी एजेंसीज में इस तरह का जॉब मिले, इसमें हेल्प करें। तो 2008 से लगातार वो ये कार्य कर रही हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, और बहुत सारी महिलाओं को वो खुद ट्रेनिंग देती हैं और आगे उनको सक्षम बनाती हैं इस फील्ड में जाने के लिए। वीना बताती हैं, शुरू शुरू में न सिर्फ घर में, परिवार में, बल्कि समाज में कई तरह के प्रश्न उठते थे। लोग उनके हस्बैंड से पूछते थे कि आपकी वाइफ जो है ये बॉडीगार्ड का काम करती हैं, और कई बार इनको रात को भी जाना पड़ता है, ये कैसा काम है? उन्होंने बताया
कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उस टाइम वीना गुप्ता काम कर रही थी उसमें बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज इंटरनेशनल पर्सन्स आया करते थे, उनके आने का टाइम कई बार रात को फ्लाइट आती है, तो ऐसा तो नहीं कि रात की फ्लाइट होगी तो मना कर देंगी जाने के लिए। इन्होंने वीना ने बताया कि जो भी काम ये करती हैं इसमें पूरी तरह एथिकल ऑनेस्ट एंड फियरलेस, ये इन्हें अपनी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करती हैं कि बेफिक्र और बेखौफ होकर ये काम किया है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि शी मीन्स बिजनेस, और इन्होंने अपना काम इतना अच्छा किया कि 2013 में इनको मीडिया कवरेज भी मिला और एक लेडी बॉडीगार्ड होने का खिताब मिला। इसके साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको सम्मानित भी किया, इनको प्रोत्साहित किया, इनके काम की तारीफ भी की। तो अभी वीना मानती हैं कि जो ये कार्य कर रही हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है, आजकल के समाज में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस काम के लिए जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है इसके लिए उनको बहुत गर्व है। और हम तो उनके लिए केवल दो लाइनें यही कह सकते हैं, जब है नारी में शक्ति सारी फिर हम क्यों कहें उसे बेचारी। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण को सलाम करते हुए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।